वनराज बना मुंगेरी लाल और देख रहा है हसीन सपने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो वनराज के हसीन सपने, जी हाँ, पहले एक धारावाहिक आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो उसी को सार्थक करता हुआ वनराज दिखाई दे रहा है। मुंगेरी लाल तो बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर था, बहुत ही फनी कैरेक्टर था, मगर अब वनराज वो फनी कैरेक्टर में आता जा रहा है। वनराज के सीन देख के अब हंसी आती है, तो चर्चा भी करते हैं इन हंसी वाले सीन्स पे। तो वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वनराज ने अब एक सपना देख लिया है दोस्तों कि अनुपमा को वो कैसे भी करके मना के फिर से अपनी पत्नी बनाएगा। बात वो बार बार कर रहा है कि दोस्त हूं दोस्त हूं दोस्त हूं, मगर ये दोस्ती तो किसी भी एंगल से नहीं लगती है। दोस्त हो तो दोस्त की तकलीफ भी समझो। अनुपमा की इस वक्त तकलीफ क्या है कि वो अनुज से अलग है और अनुज से मिलना चाहती है, यही है ना अनुपमा की तकलीफ। मगर ये जो दोस्त का बहाना लगा के वनराज बार बार अनुपमा से बात कर रहा है, वो दोस्ती नहीं है, वो सिर्फ एक पाने की इच्छा है, एक जरूरत है। तो वो सपने वनराज देख रहा है और वनराज को लग रहा है कि वो सही कर रहा है, क्योंकि आखिरकार वो यही सोच के सेटिस्फाइड है कि पत्नी तो मेरी ही थी ना, तीन बच्चे तो मैंने और अनुपमा के ही हुए हैं ना। ये सब सोच के वो फिर से उन्हें ख्यालों में जा रहा है कि अब मैं लाइफ को ठीक कर दूंगा, मेरे बच्चे मेरी पत्नी फिर से एक हो जाएंगे, कौन काव्या कौन अनुज सब दूर भाग जाए। ये वो सोच के बैठा है, मगर बात यह है दोस्तों कि ये जो हसीन सपने वो देख रहा है और जैसे हमें सीन्स में दिखाई दे रहे हैं, ये वाकई कॉमेडी में जा रहा है। जैसे वनराज का आज एकदम से सामने आना, हम सब बैठे बाहर सोच रहे थे कि अब वनराज अपनी एग्जिट लेने के लिए फिर से अनुपमा को कोई डायलॉग बोल के जाएगा, और वो बोल के गया फिर मिलूंगा। अनुपमा के रिएक्शन भी दिख रहे हैं, उसकी मां के रिएक्शन भी दिख रहे हैं, तो भी उसको सबर नहीं है, अपनी स्ट्रगल करता ही जा रहा है। वो कहते हैं ना 18 की एज में जो आशिक होते हैं, 19 की एज में जो युवा आशिक होते हैं, उनकी तरह स्ट्रगल कर रहा है। हंसी आती है मुझे, क्योंकि जिस तरह से वनराज बिहेव कर रहा है ना, वाकई बच्चों वाला बिहेव है, मगर अंदर से वो बिल्कुल सोचे बैठा है कि उसको करना क्या है। ये तो उसने पेशेंस पेशेंस करके जो एक सीन भी हमने देखा था उसके हिसाब से चल रहा है कि अनुपमा तो बोलेगी, वो सुनाएगी, वो नहीं पसीजेगी जल्दी जल्दी, मगर वनराज शाह तो पेशेंस के साथ स्ट्रगल करता रहे और वो कर रहा है। मगर काव्या की नजर भी बहुत तेज है दोस्तों, क्योंकि काव्या वनराज को शायद अनुपमा से भी ज्यादा जानती है, इसलिए वो भांप जाती है कि वनराज क्या सोच रहा है। और यहां पे काव्या ने जो छक्के छुड़ाए हैं वनराज के ये कह के कि अनुज और अनुपमा मिलके ही रहेंगे, और इस बात से पूरी तरह से गुस्से हो गया वनराज, क्योंकि वो तो ये चाहता ही नहीं है। तो अब दोस्तों दो टीम्स बन गई हैं, एक वो टीम जो अनुपमा अनुज को मिलाना चाहती है, दूसरी वो टीम जो अनुपमा अनुज को बिल्कुल भी मिलाना नहीं चाहती है। और इस पूरे के पूरे चक्कर में अनुपमा और अनुज क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब एक केंद्र बना हुआ है इन सब के लिए, और उसी में से ये अपनी अपनी फीडबैक निकालते हैं और अपने अपने तरीके से बिहेव करते हैं। मिलाने वाले अलग और जो अलग करने वाले हैं वो अलग। तो इनके बीच में जो वनराज है वो तो अलग करने वाला है ही, मगर साथ में वो अपनी खिचड़ी भी पका रहा है, और ये खिचड़ी तो कभी नहीं बनने वाली, ये हमें पता है, क्योंकि वनराज जैसे कैरेक्टर्स जो अपना ही स्वार्थ देखते हैं उनकी कभी भी जो है कामयाबी की तरफ जो है रुझान नहीं होता है। तो आपका क्या कहना है इस मुंगेरी लाल के बारे में, जो नया नया मुंगेरी लाल दिखा है हमें इस शो में? वनराज शाह, क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.